दोस्तों आज मैं वैली ऑफ द डेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक घाटी को देखते हैं जहां पर एक कपल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वहां एक जर्मन ऑफिसर अपने सैनिकों के साथ आता है और वो कपल उस ऑफिसर को ड्रिंक ऑफर करते हैं, जिसे पीने के बाद उस ऑफिसर को खांसी आ जाती है, जिस पर वहां के सभी लोग उस ऑफिसर पर हंसने लगते हैं। इस पर ऑफिसर उन पर गुस्सा हो जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों को गोलियों से भून देता है। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर जैन लोजानो को देखते हैं, जिसे कुछ सिपाहियों ने पकड़ लिया होता है और जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते हैं तभी वहाँ इसके अंकल पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, क्योंकि उसके अंकल एक जनरल होते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे तीसरी बार बचाया है। और इसके बाद जैन लोजानो के अंकल उसे एक चिट्ठी देते हैं जिसे मीलों दूर पहुँचाना होता है। इस पर जैन लोजानो अपने चाचा को बताता है कि उसे गाड़ी चलाना नहीं आता। इस पर उसके चाचा उसके साथ एक डी क्रूज नाम के लड़के को भेजते हैं जो गाड़ी चलाना जानता था, और जब वो होते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ नाजी यानी कि जर्मन सोल्जर मिलते हैं जो उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। इस पर जैन उन्हें बताता है कि वो एक सोल्जर है जो सरकारी काम से बाहर जा रहा है और वो बड़ी ही समझदारी से उन जर्मन सोल्जर से बचकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते में उन्हें एक प्लेन का पायलट मरे हुए हालत में मिलता है जिसके दोनों पैर कटे हुए होते हैं। इस पर जैन और डी क्रूज सोचते हैं कि ये उनका कोई सोल्जर है, और जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो वहां उनके पीछे से कुछ रिपब्लिक सैनिक उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद वो जैन और डी क्रूज को बंदी बना लेते हैं और उनके पास जो भी हथियार होते हैं उन्हें वो सैनिक ले लेते हैं। अब जैसे ही वो सैनिक उन्हें लेकर जाने लगते हैं तो उनका एक साथी उस मरे हुए पायलट की तस्वीर लेने लगता है। तभी वो देखता है कि वो पायलट जिंदा है और वो पायलट उस पर हमला करके उसके गले पर काट कर उसे मार डालता है। तभी उनका सैनिक ब्रॉस किया आता है और उस पायलट को दूर फेंक देता है, और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो पायलट उनकी ही ओर आ रहा है। जब वो पायलट उनकी ओर बढ़ने लगता है तो सैनिक ब्रॉस की उस पायलट के पूरे शरीर पर गोली चलाता है, लेकिन वो पायलट नहीं मरता। तभी उनका एक साथी उसके सर पर गोली मारता है और तब उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका वो साथी जिसे पायलट ने मार दिया था वो भी अब जिंदा हो गया है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लोग उसे भी मार डालते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि तीन जेट जा रहे हैं, इसीलिए वो लोग तुरंत अपनी छावनी की ओर निकल पड़ते हैं, और रास्ते में उनका कैप्टन सार्जेंटो जैन से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। इस पर जैन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, और जब वो लोग अपनी छावनी पर पहुँचते तो देखते हैं कि उनके सारे साथी मारे गए हैं, और जब वे लोग उनके पास जाते हैं तो अचानक उनके साथी जिंदा होने लगते हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। लेकिन उन सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, और उन्हीं सैनिकों में से एक यंग सैनिक होता है जो अपने पिता को देखकर उनके पास चला जाता है, और जैसे ही वो अपने पिता के पास पहुंचता है उस पर बहुत सारे ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं और उस बेचारे को मार डालते हैं। ये सब देख वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, और उन्हें अब भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। और जब वे नदी के रास्ते होते हुए एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक ज़ॉम्बी आती है जिसे वो मार डालते हैं। तभी उसके पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं, और वो लोग बचने के लिए उन ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी बीच उनके एक साथी ब्रॉड्सकी को एक ज़ॉम्बी घायल कर देता है, और जैसे ही ब्रॉड्सकी उसे मारने जाता है तभी वो देखता है कि वो एक बच्चा है इसीलिए वो उसे नहीं मारता। तभी उसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। ब्रॉड्सकी की मौत से वे सब बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद वो जंगल की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ चलते चलते उन्हें रात हो जाती है, और रास्ते में ही उन्हें एक घर दिखाई देता है। जब वो लोग वहाँ जाते तो वहाँ रफीर जुरैल और एक नन लेडी सार फ्लोर नाम के तीन लोग होते हैं जो अभी जिंदा और सेफ होते हैं, और जब वो लोग उन्हें देखते हैं तो उन्हें दुश्मन समझकर इन पर गन तान देते हैं। इस पर ये लोग उन पर भी गन तान देते हैं। तभी जैन उन लोगों को समझाता है कि हमें आपस में लड़कर गोलियां बर्बाद नहीं करनी है, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो मिलकर लड़ना होगा। इसके बाद वो लोग एक साथ उस घर में ठहरते हैं जहां उनका एक साथी मिगेल एंड्रयू और रफीर घर के ऊपर वाले कमरे से घर के बाहर नजर रखते हैं, जहां एंड्रयू बहुत बुरे हालत में कुत्ते को देखता है जो उस घर के बाहर घूम रहा होता है। और इधर जब जैन उसे चिट्ठी से अपनी सिगरेट जलाता है तो आग की गर्माहट से वो चिट्ठी एक नक्शे में बदल जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो कोई मामूली चिट्ठी नहीं बल्कि एक नक्शा है, और उसके बाद वो मेटा क्यूरस को बताता है कि वो एक लॉयर है और वो लोगों के दिमाग को भ्रमित करना जानता है, जिसकी मदद से वो उन ज़ॉम्बी को भ्रमित कर सकता है। लेकिन मेटा क्यूरस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इधर जब मिगेल एंड्रयू बाहर देखता है तो उसे वही कुत्ता फिर दिखाई देता है, और थोड़ी देर बाद उस कुत्ते की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए एंड्रयू जब दोबारा बाहर देखता है तो उसे एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आता दिखाई देता है, इसीलिए वो उसे गोली मार देते हैं। और जैसे ही वो उसे गोली मारते हैं उनके पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। इसीलिए वो लोग पीछे के दरवाजे से वहां से भाग जाते हैं और उन ज़ॉम्बीज को उस घर के साथ बम से उड़ा देते हैं और घाटी की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद जब वो रास्ते में होते हैं तो देखते हैं कि घाटी को जर्मन लोगों ने बिजली के तारों से घेर दिया है, और तभी उनके
की एक लेडी साथी मेटाकुरस की नजर उनके दोस्त ब्रोस्की पर जाती है, जो जोम्बी बन गया होता है और उन तारों पर लटक कर तड़प रहा होता है, जिसकी हालत उन लोगों से देखी नहीं जाती। इसीलिए जैन ब्रोस्की को गोली मारकर शहीद कर देता है। इसके बाद जैन उन्हें वो नक्शा दिखाता है। वो लोग जहाँ होते हैं, नक्शे में उस जगह पर रेड क्रॉस का निशान लगा होता है। इसे देखकर वो लोग सोचते हैं कि ये सब जैन का काम है, उसी की वजह से वो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जैन उन्हें बताता है कि उसे खुद इसके बारे में नहीं पता था कि ये एक नक्शा है। और जब जैन उन्हें घाटी की ओर जाने के लिए कहता है तो वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कैप्टन को जैन पर विश्वास होता है, इसीलिए वो लोग एक चुनाव करते हैं कि अगर ज्यादा लोग जैन के पक्ष में रहेंगे तो वो लोग घाटी चलेंगे। अब चुनाव के दौरान लगभग सभी लोग जैन के पक्ष में होते हैं, इसीलिए वो लोग घाटी की ओर निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो लोग उस घाटी पर पहुंच जाते हैं, जहां जर्मन सैनिकों ने एक कपल के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों को गोलियों से भून दिया था। और जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक गाड़ी मिलती है, जिसे डी क्रूज ठीक करने में लग जाता है। और वहीं से उन्हें एक नीले रंग का पाउडर मिलता है, जो एक प्रकार की दवा होती है। इसके बाद जब वो लोग उसके पास के एक फार्म हाउस में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कई दिनों से कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है और वहां पर मेडिकल की ढेर सारी चीजें बिखरी पड़ी होती हैं। तभी उन्हें वहां किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो लोग उसे चेतावनी देते हुए कहती हैं कि अगर तुम इंसान हो तो बाहर निकल जाओ, नहीं तो हम गोली चला देंगे। और जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ एक घायल लेडी होती है, जिसका नाम ऐना होता है। और ऐना वही लेडी होती है जिसकी कहानी की शुरुआत में एनिवर्सरी हुई थी, इसीलिए वो लोग ऐना से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। इस पर ऐना बताती है कि उसकी एनिवर्सरी पर कुछ जर्मन सैनिक आए, जिन्होंने वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गोलियों से मारना शुरू कर दिया, और गोली लगने की वजह से उसके पति उसके ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से वो बच गई। और उसके बाद वो किसी तरह से बचकर इस फार्म हाउस में छिप गई और देखा कि जर्मन लोग मरे हुए लोगों पर नीला पाउडर डालकर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इससे मरे हुए लोग खड़े होकर अपने पैरों पर चलने लगे। अब तभी उनके एक दोस्त को उस एक्सपेरिमेंट की एक फाइल मिल जाती है, जिसकी वजह से उसे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल जाता है। और जब उसके साथी उससे वो फाइल मांगते हैं तो उनका दोस्त उन्हें वो फाइल नहीं देता, क्योंकि वो अपने दोस्तों को धोखा देकर वो फाइल गवर्नमेंट को देना चाहता था। और जैसे ही वो उस दरवाजे से बाहर निकलता है तो ज़ॉम्बी उसे मार देते हैं, और इसीलिए वो सभी लोग उस दरवाजे को बंद करके वहां के पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। अब क्योंकि ऐना घायल थी, इसीलिए उसको जुरैल लेकर भागने लगता है। तभी ऐना ज़ॉम्बी बन जाती है और जुरैल पर हमला कर देती है। तभी वहां रफीर और सोला जाते हैं और जुरैल को ऐना से बचा लेते हैं, लेकिन ऐना रफीर के जूते पर काट लेती है। इसीलिए रफीर को इन्फेक्टेड देखकर आंद्रेओ उसे मारने जाता है, लेकिन जब रफीर अपना जूता उतारता है तो वो सुरक्षित था, जिसकी वजह से आंद्रेओ उसे छोड़ देता है। उसके बाद सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, और जैसे ही सभी लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो कैप्टन देखता है कि नैनो खुद को उस हाउस में कैद कर लेती है, क्योंकि जब वो जुरैल को बचा रही थी तो ऐना ने उसे काट लिया था। कैप्टन उसे कुछ विस्फोटक सामग्री देता है, जिसके बाद वो कमरे में खुद को कैद करके अपने साथ उन सबको मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैन और उसके कुछ बचे हुए दोस्तों को देखते हैं, जिन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग वहां से बचकर निकलने का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी जान बच सकती है। जैन देखता है कि डी क्रूज वहां नहीं है, तभी डी क्रूज उस गाड़ी को ले आता है और सब लोग उसमें बैठकर सफर के लिए निकल जाते हैं। अब गाड़ी ले आते समय डी क्रूज पर कुछ ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से डी क्रूज इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं चलती। और जब वो एक चोटी पर पहुंचते हैं तो जैन उन्हें एक छावनी की ओर इशारा करते हुए बताता है कि एगुलाइस का एक छोर है, जिसकी सुरंग की मदद से हम मिडल में पहुंच सकते हैं। और अपने अंकल से मदद मांगने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि उसके कुछ साथी हैं जो अभी भी जिंदा हैं और सेफ हैं, लेकिन उसके अंकल उसकी मदद नहीं करते। उसके अंकल के साथ वो ऑफिसर भी था जो घाटी के लोगों को मारकर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब जब उसके अंकल उसकी मदद नहीं करते तो जैन वापस आ जाता है और वहीं वो ऑफिसर उसके अंकल को धोखे से मार देता है। इधर डी क्रूज के शरीर का रंग बदलने लगता है, वो समझ जाता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, जो अपने साथियों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए वो विस्फोटक सामग्री लेकर उस छावनी की ओर निकल जाता है, ताकि उसकी मौत एक शहीद की मौत हो। इसके बाद जैन और उसके साथी उस सुरंग की ओर जाने लगते हैं, और जब वो लोग सुरंग के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे ज़ॉम्बी की पूरी फौज आ रही है। और जैसे ही वो लोग सुरंग में पहुंचते हैं तभी ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देती है और वहां के सभी सैनिकों को इन्फेक्टेड कर देते हैं। वहां सिर्फ जैन और उसके साथी बचते हैं। अब जब जैन, कैप्टन और मेटाक्यूरस बचकर भाग रहे होते हैं तभी वो ज़ॉम्बी से
चारों ओर से घिर जाते हैं और जैसे ही वो जॉम्बी उन्हें मारने वाले होते हैं तभी वहाँ रफी आकर उन्हें बचा लेता है और वो तीनों उस बीमारी का एंटीडोट लेने लैब की ओर निकल जाते हैं। उधर कैप्टन वहाँ से निकलने के लिए वहाँ खड़ी रेल गाड़ी को स्टार्ट करने चला जाता है और इधर जुरेल और आंद्रियो जॉम्बी से बचने के लिए एक ट्रक में घुस जाते हैं जहाँ वो एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं और जैसे ही जॉम्बी उस ट्रक के शीशे को तोड़ने वाले होते हैं वे दोनों अपने साथ उन जॉम्बी को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। इधर जैन और मेटाकुरास लैब में पहुंच जाते हैं। वो वहाँ उस आदमी को देखते हैं जिसकी एक्सपेरिमेंट की वजह से ये वायरस फैल रहा था। वो उस नीले रंग की दवा को अपने जिस्म में इंजेक्ट कर रहा होता है। अब जैन उस आदमी से एंटीडोट के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है और उसने इस एक्सपेरिमेंट को इसीलिए किया है ताकि वो एक अमर जिंदगी जी सके, यानी कि अमर हो सके। और थोड़ी ही देर में वो एक जॉम्बी में बदल जाता है और जैसे ही वो जॉम्बी में बदलता है मेटाकुरास उसे गोली मार देती है। और जब जैन एंटीडोट ढूंढ रहा होता है तभी उसके हाथ में एक जॉम्बी काट लेता है, इसीलिए मेटाकुरास जैन के इन्फेक्टेड हाथ को काट देती है। तभी वहाँ बहुत सारे जॉम्बी आ जाते हैं, इसीलिए जैन और मेटाकुरास अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। उधर कैप्टन रेलगाड़ी को स्टार्ट करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ जॉम्बी आ जाते हैं, इसीलिए कैप्टन जॉम्बी को मारने लगता है और जब उसकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बचती है तो कैप्टन अपने आप को ही गोली मार लेता है। और जैसे ही कैप्टन अपने आप को गोली मारता है तभी वो रेलगाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उधर जैन और मेटाकुरास लैब के एक बॉक्स में जॉम्बी के बीच फंसे होते हैं। वो जिस लैब में फंसे होते हैं वो लैब उस रेलगाड़ी पर होती है और जैसे ही उस बॉक्स के शीशे को जॉम्बी तोड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरा इलाका ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वो रेलगाड़ी उस सुरंग से बाहर निकल जाती है और उस रेलगाड़ी से एक हाथ निकलते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जैन और मेटाकुरास जिंदा होते हैं। इसके बाद मेटाकुरास जैन को उसके घर छोड़ने जाती है। जैन उसे अपने पास रुकने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं मानती और उसे छोड़ने के बाद अकेले ही वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।